कांग्रेस पार्टी के सभी जिम्मेदारान, सभी कॉर्पोरेटर, साबिक कॉर्पोरेटर, सभी विंग के अध्यक्ष और आज जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी में सहूलियत दी, ऐसे सभी हमारे दोस्त और अभी आप लोगों के सामने जाबिर भाई रेडीमेड वाला साहब, असलम शेख साहब, लड्डन भाई रेडीमेड ग्रुप की जानिब से और उनके सभी ग्रुप की जानिब से जो मुझे चांदी का पंजा दिया गया, मैं उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऐसी मेरी माँ और बहनें, 21 तारीख को असेंबली का इलेक्शन हो रहा है और आप लोगों को, इस शहर की आवाम को इस बात का फैसला करना है कि आइंदा 5 साल के लिए कौन सा उम्मीदवार, कौन सा नुमाइंदा महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर बैठेगा। ताज्जुब इस बात का हो रहा है हमारे गांव शहर की इस इलेक्शन में कि हमारे अपने मुखालिफ जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो आवाम को इस तरह गुमराह कर रहे हैं कि कॉरपोरेशन की बातों को सामने लाकर गुमराह करके झूठ बोलकर रोड और गटर के ऊपर सियासत कर रहे हैं। लेकिन वो लोग उसके अंदर कभी कामयाब नहीं होगी। शहर की आवाम समझती है कि असेंबली के अंदर एमएलए बनाकर आवाम जब भेजती है तो उसकी जिम्मेदारी और उसका काम क्या होता है, किसी को कॉरपोरेटर बनाकर कॉरपोरेशन भेजती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, किसी को पार्लियामेंट के अंदर भेजती है तो उसकी जिम्मेदारी क्या होती है। कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं शहर में कि 24 तारीख के बाद मुझको कुछ काम नहीं रहेगा। साइलेंट कर, मैं तो इस चीज का मानने वाला हूं कि मेहनत करना अपना काम है और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। और कभी भी मैंने ओहदों की लालच नहीं की। ये शहर की तारीख गवाह है कि 2012 में मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं लड़ने का फैसला किया था। और 14 के अंदर शेख रशीद साहब ने और आप लोगों ने मुझको असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार किया और मुझको खड़ा कर दिया और मुझको महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर भेजा। अल्लाह का करम है कि 2002 से आज तक
मैं इलेक्शन एक भी नहीं हारा हूं, ये अल्लाह का करम। मैंने सुना कि हैदराबाद के लीडरान मालेगांव आने के बाद मुंबई गए और मुंबई के अंदर ऐसा ऐलान किया कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये 2019 में बोल रहे महाराष्ट्र के अंदर अगर सबसे जबरदस्त तहरीक और अपनी जान हथेली पे किसने लेकर गया तो ये मेरे मालेगांव शहर के नौजवानों ने मेरे साथ में मुंबई का सफर किया था। तहरीक की शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की, अल्लाह का करम है, ये मालेगांव की मालेगांव से उठने वाली तहरीक ने कामयाबी हासिल की और 2014 में इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए हम लोग रिजर्वेशन लेने में कामयाब हुए। हमारी किस्मत खराब थी कि हम चड्डी वालों की सरकार आ गई महाराष्ट्र में 14 में। और उन्होंने मुसलमानों को दिया हुआ रिजर्वेशन वापस ले लिया। और 5 साल मुसलसल ये सरकार से लड़ने का काम अगर किसी ने किया महाराष्ट्र के अंदर तो आपके भाई ने शेख आसिफ ने किया है महाराष्ट्र में। आप लोगों को पता है, आप लोग इस बात को मानते हैं कि मैं मालेगांव शहर का सबसे कम उम्र में एमएलए बनकर महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर गया और उसके बाद मुझे गवर्नमेंट ने पुलिस ने सिक्योरिटी दी, एक गन मशीन वाला दिया कि आपकी जान को खतरा है। मैंने 1 साल के बाद वो सिक्योरिटी हटा दी। और आप लोग यकीन जानो कि महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर आपने जो जिम्मेदारी देकर मुझको भेजा था कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए वहां पर जाकर सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर मॉब लिंचिंग कई हुई थी तो कोपर गांव के अंदर हुई थी, एक तमोली हमारा भाई था वही बैठिया उसको वहां पर कुछ हिंदुओं ने कुछ फिरका परस्तों ने मिलकर उसके ऊपर लिंचिंग की, उसको जान से मार दिया। कुछ लोग मेरे पास आए, हमारे तामोली जमात के लोग मालेगांव के सडाना के कोपर गांव के, और उन्होंने मुझसे कहा कि हमारा एक भाई को वहां पर मारने का काम किया गया, जान ले ली गई। हमने कई लोगों के पास जाकर कहा
औरंगाबाद के भी एमएलए को कहा, मुंबई के भी एमएलए को कहा, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। मैंने ये नहीं देखा कि वो मालेगांव का है या नहीं। और जो फिरका परस्तों ने मारने का काम किया, महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर आवाज उठाया और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, यह मुतालबा किया, और आज तक वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे है। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी कहा, अमरनाथ यात्री, जब अमरनाथ यात्रा के अंदर हमला हुआ, आतंकवादियों ने हमला किया, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान ने उसकी मुजम्मत की, लेकिन सुदर्शन चैनल का मालक चव्हाण के सुदर्शन चैनल का मालक चव्हाण के जो फिरका परस्त शख्स है, उसने कहा कि अमरनाथ यात्रियों का बदला ले लो, हज पर जाने वालों को पर हमला कर दो, हाजियों पर हमला कर दो। किसी ने आवाज नहीं उठाई उस फिरका परस्त शख्स के खिलाफ। महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर अगर किसने आवाज उठाई पूरे महाराष्ट्र के हाजियों के लिए कि सिक्योरिटी दी जाए, उनको एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए कोई भी एक हाजी को धक्का नहीं लगना चाहिए और वो फिरका परस्त शख्स के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, किसी कोई खड़ा नहीं हुआ था। सिर्फ शेख आसिफ आपका भाई ने वहां पर इत्तेजाज किया और वहां पर आवाज उठाने का काम किया। महाराष्ट्र के अंदर अजान के ऊपर पाबंदी की बात आई, आज कुछ लोग कौम की दुआई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके भी दो एमएलए महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर बैठे थे, जब अजान के ऊपर पाबंदी की बात आई तो क्यों आपके एमएलए खामोश रहे? बीजेपी के एमएलओ ने यह कहा कि अजान पे महाराष्ट्र में पाबंदी लगा दी जाए, जब कोई खड़ा नहीं हुआ। अल्लाह का करम है, उसका भी जवाब देने का काम शेख आसिफ ने किया। चाहे जमीतुल उलमा पे पाबंदी की बात आए, अगर आज गुलजार आजमी साहब अगर मेरी हिमायत कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर होना चाहिए, तो वह ऐसे नहीं बोल रहे। जिस वक्त जमीतुल उलमा पे पाबंदी की बात आई, सिर्फ शेख आसिफ ने आवाज उठाई और फिरका परस्तों का जवाब देने का काम महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर मैंने किया। चाहे जयचंद्र आचार्य ने मुझको जान से मारने की धमकी दी, सिर्फ इसके लिए दी कि मैंने यहां पर इत्तेजाज किया था, हम सब लोगों ने मिलकर रोंगिया के मुसलमान, बर्मा के मुसलमानों की हिमायत में वहां पर कत्लेआम किया जा रहा था, शहीदों की यादगार के ऊपर हमने इत्तेजाज किया और इस बात का ऐलान किया था कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अगर हमें इजाजत देगी तो उनको बचाने के लिए हम लोग जाएंगे भी और उनको मालेगांव में रखने के लिए तैयार भी है। इसके लिए जितेंद्र आचार्य ने मुझको जान से मारने की धमकी दी। जहां पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मालेगांव शहर का बलात्कार करती है, हमारे नौजवानों की खून से होली खेलने का काम करती है, उसके खिलाफ में 5 साल मुसलसल
अगर किसने बोलने का काम किया तो सिर्फ मैंने कहा कि साध्वी को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, जमानत नहीं मिलना चाहिए। इनके एमएलए क्या कर रहे थे? ये खामोश थे। और इसके लिए आज ये लोग चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग, कि मैं महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। मुझको रोकने के लिए ये मालेगांव शहर के हमारे मुखालिफ में जो लोग आज मुझको हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस काम कर रही है कि शेख कासिम को असेंबली के अंदर अब 5 साल नहीं जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत की जाएगी और तजवीज जब पास की जाएगी महाराष्ट्र के असेंबली में मरकज को भेजने के लिए, तो आपको और इस हिंदुस्तान के मुसलमानों को बोलने वालों लीडरों की जरूरत होगी महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर। और इसीलिए आरएसएस चाहती है कि मैं महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर नहीं पहुंचूं। आप लोगों को यह बात को समझना होगा और समझ के फैसला करना होगा। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब, मैं सुन रहा हूं कि बहुत पटरी पर उतर के चल रहे हैं, उनके हवारी मवारी भी बहुत पटरी से उतर के बात कर रहे हैं। बहुत अभी कौम मिल्लत की याद सता रही है, बहुत मजहबी नारे लगा रहे हो, जब कोई दारू बेचने वालों को तुम स्टैंडिंग चेयरमैन बना रहे थे वो हिंदू नहीं था, मुसलमान था। दारू बेचने वाली को कॉप्शन का मेंबर बना रहे थे जब याद नहीं आए यहां के मुसलमान। असल में तुमको सिर्फ पैसा गिनना आता है, तुमने ये शहर का हमेशा सौदा किया, पार्लियामेंट में सौदा करते हो, कॉर्पोरेशन में सौदा करते हो, और आज कुछ लोग मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, बहुत घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे पूरे मैंने बोला ना 21 तारीख हो जाने, मैं सियासी बदला लेता हूं, मैं जाति दुश्मनी नहीं रखता। छेदी सिंह बोले ना कि किसके बारे में कालिया उसको बोल रहा हूं, छेदी सिंह इतने छेद करूंगा कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से लेना। सिफारिश भेजना मत, बेटा अभी देखो जितने बिल निकालने का है आचार संहिता से पहले निकाल ले, जितने तेरे पैसे फंसे हैं देखो मेरे तरफ से छूट है,
और नहीं तो एक रुपया कॉर्पोरेशन से निकाल के बताना ये शेख आशीर्वाद दावा कर रहा है। निकाल के बताना तूने जितनी ठेकेदारी किया तूने। बारह दिन की जिंदगी। अरे इसी गांधीनगर चौक के ऊपर तूने बोला था जब खालिद हाजी ने तेको बचाया था मारने वाले के खिलाफ में, क्या बोले अगर मैं बदला नहीं लिया तो खदी का दूध पीऊं। समझू तुम समझो क्या किया खयाबाद चूना भट्टी के ऊपर इस्लामाबाद मैं वो रास्ते के ऊपर नहीं जाता, गलत जबान इस्तेमाल नहीं करता और मैं बहुत लोगों को ऐसे देख रहा हूं शहर के अंदर, कई सियासी लोगों को देख रहा हूं जो 5 साल मुझसे फायदा उठाए, जो 2.5 साल शेख रशीद साहब से फायदा उठाए और आज मुझको हराने की बात कर रहे हो। अगर अल्लाह ने मुझको अगर इज्जत से नवाजना है तो तुम्हारी कोई औकात नहीं बेटा। अगर मुझको अल्लाह को मुझको हराना है अल्लाह ताला को तो मैं जीत नहीं सकता और ना तुम मुझको जिता सकते। लेकिन याद रखना, और कई लोगों को देख रहा हूं अभी तक 1 महीने तक मुझसे काम लिए, कुछ लोगों ने 3 महीने तक काम लिए और उसके बाद खिलाफ मेरा नाम शेख आसिफ है। शेख रशीद साहब के पास बख्शीश थी, मेरे पास कोई बख्शीश नहीं है, मैं बख्शीश करने वाला नहीं और अल्लाह का करम है कि गली से लेकर दिल्ली तक कानून भी जानता हूं और किसको कहां पर रगड़ना वो भी मैं जानता हूं। 18 नंबर वार्ड और 21 नंबर वार्ड क्या बात है। मैंने ये काम हमने किए, वो काम हमने किए, फला काम हमने किए, चलो आज फैसला कर लेते हैं। आज मेरा चैलेंज है कि तुम लेटर दो कि ये 18 नंबर और 21 नंबर की इंक्वायरी करो। अगर तुमने काम किया है तो तुम लेटर दे दो कि इंक्वायरी कर लो कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, और नहीं तो मैं लेटर देता और मैं चौकसी कराता। अरे बेस्ट कॉर्पोरेटर, बेस्ट कॉर्पोरेटर कहां पर है, किस नंबर के अंदर विकास दौलत बताओ, कहां पर है 18 नंबर के अंदर कितने बिल घसे गए, कितने बिल डुप्लीकेट निकाले गए कि मुझको पता नहीं। कभी कोई वर्कर को दम, कभी कोई वर्कर को धमकी, कभी कोई अरे गरीबों को धमकी देना कहां का तरीका है। कोई गरीब वर्करों को, दानिश को धमकी, कभी किसको धमकी, कभी किसको गाली, कभी किसको गाली। इलेक्शन लड़ो, सबको आजादी है, जमहूरियत है, किसको डराकर और गरीबों को डराकर एक आदमी को गाली देकर 50 को बताना कि मैं गाली दे सकता हूं, ये तरीका बंद होना चाहिए। अच्छी बात नहीं है गरीबों पर जुल्म करना, दादागिरी करना तो बराबरी वालों से करना सीखो। बराबरी वालों से सीखो,
गरीबों पर क्या जुल्म कर रहे। और मैं एकदम साफ साफ बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इन लोगों को धमकियां नहीं दे रहा। 21 तारीख के बाद इंशाअल्लाह जीतूंगा तो मैं ही। जीतूंगा तो मैं ही अल्लाह की जात पर भरोसा, इंशाअल्लाह। उसके बाद कुछ वक्त तो तुम्हारे लिए भी निकालूंगा, तुम्हारे लिए भी निकालने वाला हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से बोलना चाहता हूं, इस गुरुवार वाद की आवाम से मैं किसी से जाति दुश्मनी नहीं रखता हूं, लेकिन सिर्फ मैं ये चाहता हूं, इस शहर के लिए ये चाहता हूं, इस शहर के शराब बस्ती में रहने वाले मेरे गरीब भाइयों के लिए मैं चाहता हूं कि तुम पर कोई जुल्म ना करे, तुम्हारी हिफाजत हो, तुम्हारा रोजगार चले, तुम आराम से चैन से जी सको, तुम्हारे बच्चों को तालीम मिले। इसके लिए मैं असेंबली के अंदर जाना चाहता हूं। आपके लिए जीना है, आपके लिए मरना है, माँ बहनों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और इस शहर को बचाने के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। कोई रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं, मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। मुझको समझता है, अगर एनआरसी आएगी, कानून बनेगा, तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी, तो मेरे छोपड़पट्टी में रहने वालों को होने वाली है, आप लोगों को होने वाली है। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है, आपके पास दाखिले नहीं है, आपके पास आधार नहीं है, आपके बच्चों के दाखिले नहीं है, आपके नोटर लिस्टों में नाम नहीं है, सबसे ज्यादा तुमको तकलीफ होगी। कोई आएगा नहीं आपको बचाने के लिए, कोई हैदराबाद से नहीं आएगा, कोई आपके आंसू पोंछने नहीं आएगा, जब आप हिंदुस्तान को नहीं लड़ोगे। आपके लिए मैं लड़ने के लिए आया हूं, मैं आपके लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मैं आपके लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। और इसका भरोसों से लड़ने के लिए मैं आज आपके लिए मेरे माँ और मेरे बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरे चाचाओं ने, मेरे पूरे परिवार ने अपने आप को मुझको वक्फ कर दिया इस शहर के लिए, वक्फ कर दिया आपके लिए। और कुछ लोग ये शहर में ये चाहते हैं कि एक ईमान वाले, एक कलमा, एक रसूल को मानने वालों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुझे ताज्जुब हुआ सुनकर कि इस गुरुवार वाद के अंदर एक कलमा, एक रसूल, एक कुरान को मारने वालों को लड़ाने की कोशिश की गई, बांटने की कोशिश की गई इसी गुरुवार वाद के अंदर। आज दोपहर की बात है, शर्म आना चाहिए कि देश कहां जा रहा, मुसलमानों की हालत क्या है, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा, सरकार बीजेपी की आरएसएस की क्या कर रही है, और तुम सिर्फ अपनी एक कुर्सी के लिए, अपनी जाति मुफाद के लिए, अपने जाति मुफाद के लिए मुसलमानों को बांटने का काम करोगे। शर्म आना चाहिए दोस्तों। आपको समझना है, आपकी मां बहनों को, आपके घर की औरतों को, हमारी मां बहनों को आधार कार्ड लिए जा रहे हैं इस इलाके के अंदर, उसके फोटो खींचे जा रहे हैं, उसकी झिराव से ली जा रही है 200 रुपये में, ताकि आपके आधार कार्ड को खत्म करने के लिए आपका प्रूफ नहीं होगा तो आप हिंदुस्तानी कैसे होगे, सिर्फ वोट बोकस डालने के लिए। होशियार हो जाओ, इनको आधार कार्ड मत दो, इनको झिराक सो मत दो, आपके फोटो निकाल कर वो उनके फोटो दूसरों के चिपका देंगे, आधार कार्ड तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये इसी रोटड़ी के ऊपर ये लोग आ गए। आप लोग से मेरी अपील है कि शहर को बचाने के लिए एक एक गरीब, एक एक मजदूर, एक एक छोटा मोटा व्यापार करने वाला, एक एक मेरी बहनें, एक एक बच्चा, इस शहर का अमीर गरीब सब मिलकर ये शहर को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। 21 तारीख की 5 बजे तक तुम्हारी जिम्मेदारी, और 5 के बाद 5 साल में जिम्मेदारी आपके उठाने की।